तो दोस्तों आज हम है करिश्मा रीलॉन्च हुआ है XMR के ब्रांड नेम से कह सकते हो उसके लॉन्च पे अभी लॉन्च हुई है और बहुत ही बेहतरीन आप देख सकते हो लुक है काफ़ी स्पोर्ट बाइक वाली फील जो है इसमें दी गई है। स्टार्ट करें अगर शुरू से यहाँ से तो आपको हेडलाइट जो है LED वगैरह मिल जाता है बहुत ही खूबसूरत मेरे को उसका फ्रंट एंड स्पेसिफिकली लगा है। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ऑडियो आई एम नॉट श्योर कैसी आ रही होगी बिकॉज मेरे पास आज माइक्रोफोन नहीं है सो आई एम रिकॉर्डिंग डायरेक्टली विद द फोन। और टायर्स वगैरह बहुत ही स्टिकी टायर्स दिए गए। मैंने राइड अब तक नहीं किया है सो वंस आई राइड द मोटरसाइकिल आई वुड बी एबल टू टेल यू इवन मोर डिटेल अबाउट द मोटरसाइकिल बट दैट इज़ हाउ द बाइक एसेंशियली लुक्स। बहुत ही खूबसूरत जो है इसकी लुक दी गई है ठीक है। द इंजन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग 25.2 आई थिंक इज द हॉर्स पावर और 20 Nm के थोड़ा ऊपर जो है इसका टॉर्क यहाँ पे दिया गया है। आगे के डिस्क में आपको ऑफकोर्स ABS मिल जाता है पीछे भी आपको ABS ज़रूर मिल जाता है। बात करें एग्जॉस्ट की तो काफ़ी स्पोर्टी सा जो है इन्होंने एग्जॉस्ट यहाँ पे दिया है और मुझे तो यार ओवरऑल जो लुक है ना वो बाइक की काफ़ी अच्छी लगी है। ऋतिक रोशन आए थे ऑफकोर्स ब्रांड एम्बेसडर जो हमेशा से रहे हैं ऑफ द करिश्मा ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया। थोड़ा सा फुटेज मेरे पास है वो आपको मैं दिखा दूंगा। और ब्रेक लाइट आप देख सकते हैं ये भी LED है। बेहतरीन जो है लुक मुझे इस मोटरसाइकिल का लगा है ब्रांड न्यू एकदम मोटरसाइकिल लग रही है। यहाँ पे आपको 210 या 210 जो है यहाँ पे ब्रांडिंग आपको दिख जाएगी 140 बाई 70 17 इंच के आपको रिम में ये टायर मिल जाता है विच इज़ रेडियल टायर। ऑफकोर्स यहाँ पे जो है आपको साड़ी गार्ड वगैरह देखने को नहीं मिलता है बिकॉज दिस इज़ केप्ट एज अ प्योर स्पोर्टी काइंड ऑफ अ मशीन। चेन गार्ड यहाँ पे मिल जाता है बढ़िया सा फुल चेन गार्ड नहीं मिलेगा बिकॉज अगेन स्पोर्टी मशीन की तरफ ध्यान ज़्यादा दिया गया है तो आपको हाफ चेन गार्ड जिसको कहते हैं वो मिलेगा। यहाँ पे एडजस्टेबल आपको जो है जूम करके दिखाऊं मोनोशॉक मिल जाता है बहुत अमेजिंग सी फीचर्स इसमें आपको दिए गए हैं ठीक है। ब्रेक लाइट की मैंने बात करी है और इंडिकेटर भी यहाँ पे जो है आपको LED मिल जाते हैं। तो ओवरऑल मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की मुझे लगता है परफॉर्मेंस में काफ़ी डिसेंट होने वाला है बिकॉज इट्स 25W BHP और इंस्ट्रूमेंटेशन भी जो है इसका बहुत ही अमेजिंग है डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन दिया गया है। इस वाले मोटरसाइकिल में आपको यहाँ पे जो है बैग्स वगैरह रख के लगा के दिखाए गए हैं ये भी हीरो की ब्रांडिंग का ही बैग है और वो भी जो है टैंक बैग एक आप लगा सकते हो। आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ अ सेगमेंट फर्स्ट जहाँ पे आपको इस प्राइस पॉइंट में और इस सेगमेंट में आपको जो है टैंक बैग वगैरह आई थिंक दैट्स अ मैग्नेटिक टैंक बैग मैंने भी छू के नहीं देखा है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी फोटोग्राफी वगैरह चल रही है तो उस हिसाब से जो है मैंने भी टच करके नहीं देखा है बट आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट मोटरसाइकिल इन दिस काइंड ऑफ प्राइस कैटेगरी जिसमें आपको यहाँ पे हाँ जी ये मैग्नेटिक टैंक बैग मिल रहा है। बात मैंने की थी इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। मैं ऑन करके अगर दिखाऊँ आपको आप देख सकते हो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको यहाँ मिल रहा है। राइड योर लेजेंड इज़ व्हाट द इंस्ट्रूमेंट कंसोल सेज। यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाता है डेट मिल जाता है और यहाँ पे फ्यूल गेज वगैरह दिया गया है। दिस इज़ ऑफ कोर्स इंजन टेम्परेचर और गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाते हैं। साइड में आपको टेल टेल लाइट्स भी मिल जाते हैं। आई फील दैट ओवरऑल क्वालिटी इज़ वेरी वेरी नाइस और ओवरऑल क्वालिटी बहुत ही अप इन्होंने कर दिया है। यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको नॉर्मल बटन्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको हैजर्ड लाइट का स्विच मिल जाता है एंड ऑफ कोर्स इस तरफ आप अगर देखोगे यहाँ पे आपको अप एंड डाउन बटन्स मिल जाते हैं इंडिकेटर मिल जाता है हॉर्न मिल जाता है एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ द पास स्विच क्लच वगैरह। बहुत ही फील जो है गाड़ी की वो काफ़ी चेंज इन्होंने कर दी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है लुक के मामले में अगर मैं वाइड एंगल में दिखाऊँ आपको वाइड में आपको दिखाता हूँ दिस इज़ हाउ द मोटरसाइकिल ओवरऑल लुक्स एंड आई फील इट्स अ वेरी वेरी गुड लुकिंग मोटरसाइकिल। ओवरऑल फील जो है मोटरसाइकिल की वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। चलाई नहीं है ऑब्वियसली तो वो चलाने के बाद मुझे पता लगेगा ये रियर अगर शायद मैं हटा दूंगा इफ़ आई बाय द मोटरसाइकिल बट दैट्स जस्ट मी यू माइट बी थिंकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे जो है अलग अलग रंग हमको दिखाए गए हैं रेड कलर है येलो कलर है एंड देयर इज अ ब्लैक कलर एज वेल तो यू कैन चूज योर पर्टिकुलर कलर व्हाट काइंड ऑफ कलर डू यू एक्चुअली रिक्वायर ऑफ द मोटरसाइकिल। मुझे पर्सनली बताएंगे तो येलो और रेड पसंद आई है ब्लैक थोड़ा सा जो है मुझे ऐसा लगा कि मज़ा नहीं आया कलर में बट ठीक है आई मीन एनी कलर वर्क्स फॉर मी। द मोटरसाइकिल लुक्स प्रीटी बिग एक्चुअली सब्सटेंशियल लग रही है और आप देख सकते हो ब्लैक के पास ताकि मैं दिखाऊं आपको ओवरऑल लुक जो है मोटरसाइकिल का मुझे ऐसा लगा कि दिस लुक्स सब्सटेंशियल बड़ी लग रही है ना स्पोर्ट्स बाइक वाली फील जो है वो यहाँ पे लग रही है। प्राइस ऑफ कोर्स आपको स्क्रीन में मैं लिखा दिखा रहा हूँ बहुत ही अट्रैक्टिवली प्राइस्ड जो है ये मोटरसाइकिल इन्होंने लॉन्च करी है। इंट्रोडक्टरी प्राइस है बट इंट्रोडक्टरी प्राइस के बाद भी ओवरऑल प्राइसिंग रिमेन्स वेरी वेरी नाइस। एंड तो ये था एक फर्स्ट लुक क्विक लुक ऑफ द करिश्मा ZMR या करिश्मा XMR रादर इन इट्स न्यू अवतार जो कि मुझे ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी लगी है।